Hello friends, and welcome to the lecture 2 or module 4 of Fundamental of Programming. Last lecture में हमने देखा कि हम programming structure कैसे बना सकते हैं, assembly language को start कैसे कर सकते हैं programming करने के लिए. इस lecture में हम देखेंगे कुछ basic examples जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हम programming कैसे करते हैं और उसको memory space कैसे allocate करते हैं. लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी revision करते हैं. We will review the instruction word size of 8085 microprocessor, जो हम पिछले किसी lecture में कर चुके हैं. So what we have seen so far, 8085 के instruction set को हम 3 types में बांटते हैं: 1 byte instruction, 2 byte and 3 byte instruction. 1 byte instruction वो हैं जो एक single byte में carry होंगे. जैसे यहाँ पर कुछ examples present हैं, move CA. So this move CA has a single binary code here. और इस बाइनरी कोड को हम एक ही बार एक इंस्ट्रक्शन में डालेंगे एंड इट इज डन. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज ऐड बी. तो ये भी एक हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका एक बाइनरी कोड है, देयर इज अ हेक्साडेसिमल कोड फॉर इट, और ये भी एक बार में ही इंस्ट्रक्शन जाएगा. देन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, सो अगेन दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. सिमिलरली वी हैव 2 बाइट इंस्ट्रक्शन जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शन को 2 बाइट्स में भेजेंगे, लाइक एम वी आई ए एंड सम 8 बिट डेटा. तो एक्यूमुलेटर में हम कोई 8 बिट डेटा डायरेक्टली इनपुट देना चाहते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंटेड हेयर. तो क्या होगा, पहली बाइट जो जाएगी हमारी उसमें बाइनरी कोड जाएगा एम वी आई ए का, विच इज दिस, एंड दिस इज द हेक्साडेसिमल कोड. और दूसरी बाइट में जाएगा हमारा 8 बिट डेटा लाइक दिस. सो दिस बिकम्स अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. देन नेक्स्ट इज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में कोई भी जंप इंस्ट्रक्शन होगी या कोई भी लोड की इंस्ट्रक्शन होगी तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस में आएगी, बिकॉज द ऑपकोड फॉर जंप विल गो इन द फर्स्ट बाइट. और उसके बाद जो हमने 16 बिट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन किया है ये जाएगा. तो ये कैसे जाएगा, सबसे पहले इस 16 बिट एड्रेस का लोअर पार्ट जाएगा और उसके बाद इस 16 बिट एड्रेस का हायर पार्ट जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बिकम अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमें मेमोरी बाइट एलोकेट करना है तो कैसे हम 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर एलोकेट करेंगे. सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल अगेन विच आई हैव टेकन इन माई लास्ट लेक्चर. तो यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल किया था कि हमें कोई कॉन्टेंट है उसको रजिस्टर डी में लाकर कॉपी करना है. सो फॉर द रेफरेंस आई हैव मेंशन द फ्लो चार्ट हेयर, और आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए ये हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लास्ट लेक्चर में की थी. अब इसी के रिस्पेक्ट में हम मेमोरी स्पेस को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, लेट्स सी. तो पहला इंस्ट्रक्शन था हमारा एम वी आई डी 05H. अब एम वी आई डी 05H एक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि पहले केस में एम वी आई डी जाएगा और दूसरे लाइन में, दूसरे बाइट में 05 जाएगा. सो इफ़ आई से कि मेरा प्रोग्राम 2000 की मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होता है, तो 2000 की मेमोरी लोकेशन पे किसका हेक्साडेसिमल कोड जाएगा, एम वी आई डी का, और 2001 पे किसका क्या जाएगा, हमारा 8 बिट डेटा. एंड इन 2002 माई प्रोग्राम विल कम टू एन एंड. सो दैट मीन्स कि हमने इस छोटे से प्रोग्राम को करने के लिए 3 मेमोरी स्पेसेस का यूज किया, राइट. सिमिलरली इफ आई टेक माई सेकेंड एग्जाम्पल टू ट्रांसफर सम डेटा टू रजिस्टर डी, और फिर उस रजिस्टर को हम रजिस्टर सी में लेकर गए, तो यहाँ पर क्या है, आप फिर से इस फ्लो चार्ट और रेफरेंस एग्जाम्पल को, रेफरेंस प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं. नाउ हाउ द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड. सबसे पहली हमारी इंस्ट्रक्शन थी एम वी आई डी 05H. ओके, सो एम वी आई डी 05H इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. तो पहली बाइट में एम वी आई डी गया, दूसरी में उसका 8 बिट डेटा गया, और तीसरी में क्या हुआ, हमने उस डेटा को डी से निकालकर सी में लोड किया, मूव सी डी. सो मूव सी डी इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. इसका आपको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल कोड मिलेगा इसके लुकअप टेबल पे. एंड एट 2003 वी हैव एंड द प्रोग्राम, यानी कि हॉल्ट द प्रोग्राम.
सो दैट मीन्स इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने चार मेमोरी स्पेसेस का यूज किया. देन थर्ड एग्जाम्पल आई हैव टेकन अप कि हमें कोई डेटा है वो 4000 लोकेशन से निकाल के एक्यूमुलेटर में लेकर जाना है, उसको इंक्रीमेंट करना है और फिर हमें अपने रिजल्ट को स्टोर करना है इस डेजिग्नेटेड लोकेशन पर. सो अगेन द फ्लो चार्ट एंड द रेफरेंस प्रोग्राम इज मेंशन्ड हेयर. तो यहाँ पर हमने पहली अपनी इंस्ट्रक्शन लाइन क्या लिखी थी, LDA 4000H, यानी कि लोड द एक्यूमुलेटर विद द कॉन्टेंट विच इज प्रेजेंट इन 4000H. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेमोरी स्पेस को कैसे करेंगे. LDA अपने आप में एक हेक्साडेसिमल नंबर, एक उसका कोड जनरेट होगा, सो इट विल कम इन द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन. उसके बाद 4000, ये हमारा 16-bit एड्रेस है. ये 16-bit एड्रेस को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, लो ऑर्डर एड्रेस एंड हाई ऑर्डर एड्रेस. तो पहले हमारा जाता है लो ऑर्डर एड्रेस, फिर जाएगा हमारा हाई ऑर्डर एड्रेस. यानी कि LDA 4000H को लोड करने के लिए हमने तीन मेमोरी लोकेशंस को का यूज़ किया. देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी हमारी INRA, इंक्रीमेंट द एक्यूमुलेटर. सो दिस विल टेक अप 1 byte स्पेस, इसलिए आप देख रहे हैं ये 2003 एक लोकेशन ली और उसमें आकर ये स्टोर हो गया. देन वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन 4010H, राइट. तो स्टोर द रिजल्ट इन 4010 का अगेन जैसे LDA का प्रोसेस था वैसे ही STA का प्रोसेस होगा. STA विल टेक अप 1 byte एंड देन 4010 विल अगेन बी स्प्लिटेड अप इन 2 parts, द लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर. तो 10 पहले जाएगा और 40 उसके बाद आएगा एंड इन द एंड हॉल्ट द प्रोग्राम. सो हेयर यू कैन सी दैट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वी नीड 8 मेमोरी स्पेसेस फॉर दिस. सिमिलरली इफ आई टेक अप अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई कॉन्टेंट है हमारा 3050 पर, उसको हम बी में लेकर जा रहे हैं, 3051 का कॉन्टेंट सी में लेकर आ रहे हैं और द कॉन्टेंट्स आर ऑल्सो मैंशनड हेयर. तो रेफरेंस प्रोग्राम एंड द फ्लो चार्ट आर मैंशनड हेयर. अब इसका मेमोरी स्पेस कैसे एलोकेट किया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले हमने लोड किया था हमारा मेमोरी पॉइंटर यानी कि HL पेयर पहले एड्रेस के साथ. तो इसको हम मेमोरी स्पेस कैसे एलोकेट करेंगे, वी विल बी राइटिंग LXIH इन 1 byte, क्योंकि हम किस मेमोरी पेयर को लोड कर रहे हैं ये टोटल 1 byte का स्पेस लेगा, यानी कि इसका अपना एक हेक्साडेसिमल कोड होगा. आफ्टर दैट दिस 3050 इज अगेन अ 16-bit एड्रेस. अगेन यू आर गोइंग टू स्प्लिट इट अप इन 2 parts, लोअर ऑर्डर एड्रेस और हायर ऑर्डर एड्रेस. और सबसे पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस जाएगा, फिर हायर ऑर्डर एड्रेस जाएगा, यानी कि LXIH का कमांड भी हमारा 3 memory spaces यानी कि 3 byte ऑफ इंस्ट्रक्शन लेगा. देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव BM. सो मूव BM इज अ 1 byte इंस्ट्रक्शन दैट इज कमिंग इन 2003. देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी INXH. INXH भी 1 byte इंस्ट्रक्शन है. देन वी आर स्टोरिंग द अनदर नंबर इन रजिस्टर सी, तो उसका भी 1 byte इंस्ट्रक्शन है एंड देन हॉल्ट द प्रोग्राम. सो दिस एंटायर प्रोग्राम हैज टेकन अप 7 bytes यानी कि 7 memory spaces टू स्टोर द एंटायर प्रोग्राम. अगला एग्जाम्पल लेते हैं टू एड द 2 8-bit नंबर्स, राइट. सो टू एड द 2 8-bit नंबर्स, यहाँ पर हमारा पहला नंबर लोडेड है 3000 पर, दूसरा नंबर लोकेटेड है 3001 पर, रिजल्ट हमें स्टोर करना है 3002 पे एंड द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग इज एट 3003. तो अब इसका हम देखते हैं कि मेमोरी कैसे एलोकेट की है. तो मेमोरी एलोकेशन के बाद ये प्रोग्राम हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर. सबसे पहले हमने अपना मेमोरी पॉइंटर इनिशियलाइज किया 3000H से. तो जैसा हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा, लोड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 3 byte इंस्ट्रक्शंस हैं. तो 3 byte इंस्ट्रक्शंस मींस दे आर गोइंग टू टेक अप 3 memory spaces. सो LXIH इन 1 byte, देन 3000 में से 00 लोअर बाइट एंड देन हायर बाइट ऑफ द एड्रेस. सो दिस इज हाउ इट इज टेकिंग अप
3 bytes of instruction to initialize your pointer with 3000H. Then next instruction है हमारी move AM जो कि एक byte लेगी. हमने यहाँ पर पहले number को accumulator में load कर दिया, उसके बाद हमने अपना pointer को increment किया, ये एक byte instruction का लेगा, space का लेगा. उसके बाद हमने अपना next number register B में load किया, ये instruction एक space लेगी. इसके बाद हमने क्या किया, we have said MVIC00H क्योंकि हम यहाँ पर carry flag को initialize करना चाहते हैं. सो कैरी फ्लैग को इनिशियलाइज करने के लिए वी हैव यूज द मूव इमीजिएट कमांड, और मूव इमीजिएट कमांड इज अ 2 बाइट नंबर. सो MVIC विल कम इन वन स्पेस एंड 00 विल कम इन द नेक्स्ट स्पेस. तो इस तरीके से MVIC जो है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस की लेगा. देन वी हैव डन एड बी, सो अगेन दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. इसके बाद हमने अपने कैरी फ्लैग को चेक किया, इज कैरी जनरेटेड. तो कैरी फ्लैग को चेक करने का इंस्ट्रक्शन क्या था, JNC स्किप, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन. अब यहाँ क्या है कि हमने एक लेबल, एक नाम यूज किया स्किप, ये बताने के लिए कि प्रोग्राम कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो. लेकिन जब हम मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर स्किप नहीं लिखेंगे, वी विल मेंशन द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन जहां पर ये प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस मेमोरी एलोकेशन, JNC तो एक बाइट का इंस्ट्रक्शन है इसलिए यहां पर सेव हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, हमें एड्रेस देना है कि कहां पर जाके जंप होगा. तो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं कि 2 मेमोरी स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हमारी आगे आने वाली है. As per the program, you can see from here also, skip जो label हमने finally mention किया है, वो आगे एक instruction के बाद mention किया है. तो उस instruction का क्या memory address होगा, वो इस current stage में हमें नहीं पता है. तो यहाँ पर हम फिलहाल इन 2 memory locations को blank छोड़ देंगे और क्या करेंगे, अगले memory location पर आप next instruction को लिखेंगे, which is increment C. क्योंकि हमारे प्रोग्राम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी आनी चाहिए इंक्रीमेंट सी. इंक्रीमेंट सी के बाद हमने पॉइंटर को यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया है एक वहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम उसको इंक्रीमेंट देंगे इन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. एंड देन यहाँ पर अब आप नोट करें, स्किप लिखा है इसी INXH के साथ. तो इस INXH का लोकेशन क्या है, 2013. सो नाउ इन द ब्लैंक स्पेसेस जो आपने ऊपर छोड़े थे, यहाँ आप पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस मेंशन करेंगे 13, फिर हायर ऑर्डर एड्रेस मेंशन करेंगे 20. सो दिस इज हाउ दीज ब्लैंक स्पेसेस विल बी फिल्ड अप. इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी मूव MA विच विल टेक अप 1 बाइट ऑफ स्पेस. उसके बाद हमने पॉइंटर को फिर से इंक्रीमेंट किया, सो अगेन 1 बाइट ऑफ स्पेस. फाइनली हमने कैरी फ्लैग के स्टेटस को स्टोर करवाया, अगेन 1 बाइट ऑफ स्पेस, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम इन 1 बाइट ऑफ द स्पेस. तो अगर हम यहाँ से टोटल काउंट करेंगे, इस प्रोग्राम ने हमारे 18 मेमोरी लोकेशंस को यूज किया है. सो आई होप कि यहाँ तक आपको एक पॉइंट ये समझ में आया, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूमोनिक. हमें इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज जानने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन सिंगल बाइट में एग्जीक्यूट होगा, 2 बाइट्स में एग्जीक्यूट होगा, या वो 3 बाइट्स में एग्जीक्यूट होगा. अकॉर्डिंगली आप उस इंस्ट्रक्शन को वो पर्टिकुलर मेमोरी, उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द सब्ट्रैक्शन. सो अगेन यू कैन सी फ्रॉम दिस पार्ट दैट द एंटायर प्रोग्राम इज सेम एक्सेप्ट फॉर द पार्ट विच इज द सब्ट्रैक्शन. तो एड की जगह बस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है. उसके बाद सारे जितने भी हमारी जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, लूपिंग कहाँ हो रही है, एवरीथिंग एल्स इज सेम एज वी हैव डन फॉर द एडिशन ऑफ 2 8 बिट नंबर्स. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कितनी मेमोरी स्पेस दे सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं.
Still, you have any query, you can mention your queries on the mailbox जो यहाँ पर mentioned है, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसको mention कर सकते हैं. My upcoming lecture would be on the basic programs of 8085 microprocessor. So, thank you and happy learning.